रिपोर्टर हम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव वार मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग। तीन दिन के सम्मेलन की तारीखें ही बदल दी। जनवरी में हो रहे सम्मेलन को नवंबर और दिसंबर में बताया। सुनिए ध्यान से वीडियो और जानिए जनसंपर्क विभाग की काबिलियत। तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई है। तीन दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 9 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंदौर आगमन होगा, जहां प्रधानमंत्री जी 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 10 दिसंबर को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगी। इस सम्मेलन में गुयाना और सुरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं, जबकि कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जेनेटा मैस्करेहास जी भी सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी में विदेश मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में ये सम्मेलन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इसमें करीब 70 देशों के प्रतिनिधि और 3000 डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं। इसके पहले कार्यक्रम का प्रथम दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के नाम रहा। पहले दिन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व अन्य अतिथियों ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। वहीं प्रवासी भारतीयों ने भी कई विषयों पर चर्चा कर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी भारतीयों से 1-to-1 चर्चा भी की। सुन लिया ना, 8 जनवरी से शुरू हुए सम्मेलन का दूसरा दिन 9 नवंबर तो तीसरा दिन 10 दिसंबर बता रहे ये जनसंपर्क विभाग वाले। इस वीडियो को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया गया है। तभी तो कहते एमपी अजब है, एमपी गजब है। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।